नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी और भारत समाचार के खास कार्यक्रम सप्ताह की सुर्खियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात होगी सप्ताह की तीन सबसे बड़ी खबरों की और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बीते रविवार हुए योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की, जो बहुत चुपचाप और गुपचुप तरीके से हुआ। ये मंत्रिमंडल का विस्तार इस समय क्यों हुआ और इसे किस नजरिए से देखा जा रहा है, इस पर बात होगी। और फिर हम बात करेंगे सबसे बड़े आंदोलन यानी कि किसान आंदोलन की, जो 10 महीने से चल तो रहा है, लेकिन इन 10 महीनों में इस आंदोलन से आम आदमी कैसे प्रभावित हो रहा है ये भी बताएंगे। और फिर 2022 में होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां कैसे कैसे जतन कर रही हैं, उस पर भी हर एक अपडेट देंगे। और फिर बात होगी योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में हुई कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर की क्रूरता के साथ हत्या पर। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं सप्ताह की सुर्खियां। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नारा बहुत चलता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। देश के सबसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले यूपी की सियासत गर्म होने लगी है। राजनीतिक दल और सरकारें अपने विकास को भूलकर जातिवाद का भजन कर रही हैं। अभी तक जो सरकार विकास की उपलब्धियां गिनाते नहीं थकती थी, वो जाति पर आकर अटक गई है। जो माहौल राजनीतिक पार्टियों ने बना दिया है, उससे एक बात तो देखिए साफ है कि चुनाव पूरी तरह अब जातिवाद पर ही लड़ा जाएगा। विकास सिर्फ मंच पर दिए गए लच्छेदार भाषणों पर ही होगा, क्योंकि सत्ता में बैठी योगी सरकार को शायद अपने विकास पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए चुनाव में गोटी फिट करने के लिए जातियों पर दांव लगाया जा रहा है। बीते रविवार राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार में ये बात शीशे की तरह साफ हो गई। सत्ता में दोबारा वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ओबीसी पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों का गुणगान कर रही है। खैर, मंत्रिमंडल विस्तार पर वापस आते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार जो हुआ, लेकिन इस विस्तार का प्रशासनिक से ज्यादा चुनावी महत्व क्यों है ये समझना जरूरी है। ये जो विस्तार हुआ, इसमें 7 नए चेहरे टीम योगी में शामिल किए गए। इनके जरिए पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी को साधने की पूरी कोशिश की गई है। 3 ओबीसी, 2 दलित, 1 सवर्ण और 1 अनुसूचित जाति से आने वाले नेताओं को मंत्री बनाया गया है। और इनमें जितिन प्रसाद एकमात्र ऐसे चेहरे हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अब देखिए, समझिए कि मंत्रिमंडल विस्तार में जिन लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया है, उनकी कोई विशेष राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। जितिन प्रसाद को छोड़कर बाकी सभी ऐसे चेहरे हैं जो चुनावी गणित साधने के लिए पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। इन नए चेहरों के पास अभी सरकार और मंत्रालय संभालने का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए विकास में इनकी कितनी भूमिका होगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अब जातियों को साधने में ये नए मंत्री कितना कामयाब हो पाएंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार ने कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का राग लापने वाली सरकार पर थोड़े बहुत सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। योगी कैबिनेट में कुल 60 मंत्री हैं, जिनमें से 56 मंत्री पुरुष हैं और केवल 4 मंत्री महिलाएं हैं। मतलब मंत्रिमंडल में महिलाओं की आबादी 10% भी नहीं है। सरकार अभियान चला रही है महिला सशक्तिकरण का, लेकिन कैबिनेट गठन में महिलाओं का कितना सशक्तिकरण किया गया है ये आप खुद समझ सकते हैं। सरकार ने महिलाओं को कितनी शक्तियां दी हैं, इसका अंदाजा 60 सदस्यों वाली योगी कैबिनेट में महज 4 महिलाओं की मौजूदगी से लगाया जा सकता है। जो नारा सरकार की तरफ से दिया जाता है, अगर उसे सरकार में ही लागू नहीं किया जा सकता, तो भला दूसरों से कैसे उम्मीद की जाए कि वो सरकार की अपील पर ध्यान देंगे। कृषि कानूनों पर ना किसान पीछे हट रहे हैं और ना सरकार टस से मस होने को तैयार है। इस तनातनी के बीच किसान आंदोलन को 10 महीने अब पूरे हो चुके हैं और सोमवार 27 सितंबर को एक बार फिर से किसानों ने भारत बंद का आह्वान कर दिया, जिससे सरकार के सामने असहजता की स्थिति पैदा हो गई,
क्योंकि किसानों के भारत बंद का असर इतना व्यापक था कि सरकार ने इसका अंदाजा नहीं लगाया होगा। शायद सरकार ने किसानों की चेतावनी को काफी हल्के में ले लिया था, जबकि किसान संगठनों की अपील पर भारत बंद का असर कई राज्यों में काफी व्यापक दिखा। 10 महीने के लंबे समय में किसान आंदोलन कई मोड़ से होकर गुजरा है। कभी लाल किले का कांड हुआ, कभी ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन और फिर भारत बंद। किसान संगठनों के भारत बंद का पूरे देश में मिला जुला असर देखने को मिला है। कहीं ट्रेनें रोक दी गईं, कहीं ट्रैफिक प्रभावित हुआ, कहीं बाजार बंद रहे तो कहीं व्यापार ठप रहा। भारत बंद के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि विपक्ष कमजोर है और इसी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। किसानों का आंदोलन खिंचता चला जा रहा है और सरकार सुन नहीं रही। राकेश टिकैत की ये बात विपक्ष को थोड़ा बहुत चुभी जरूर होगी। अगर भारत बंद की बात की जाए तो विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया। किसान और विपक्ष ने कहा कि भारत बंद बहुत दमदार रहा, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से अभी भी इसी बात की रट लगाई जा रही है कि किसानों के भारत बंद का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर किसान आंदोलन का असर नहीं हुआ तो फिर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सरकार किसानों को मनाने में आखिर क्यों जुटी है? क्यों किसानों के घरों में बीजेपी नेता उनसे संवाद करने जा रहे हैं? लेकिन सियासी चश्मा उतार कर अगर देखा जाए तो आम आदमी आंदोलनों से सबसे ज्यादा परेशान होता है। रोजी रोटी के लिए बाहर निकलता है जब एक आम आदमी और वो जाम में फंस जाता है तो उससे पूछिए कि उसे कितनी तकलीफ होती है। लेकिन शायद सरकार को इससे मतलब नहीं है, और अगर मतलब होता तो किसानों की समस्या सुलझाने में इतने महीने नहीं लगते। सरकार कहती है कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन कानून वापसी नहीं होगी। लेकिन सरकार ये क्यों नहीं समझ रही है कि किसान सरकार से मिलकर यही बात करना चाहता है कि भैया तीनों कृषि कानून रद्द कर दो, इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। देखिए, बात बहुत साफ है कि सरकार और किसान के बीच की इस लड़ाई से किसान को तो नुकसान है ही, बल्कि एक आम आदमी तक इस नुकसान की छींटे जा रही हैं, और तो और देश का भी नुकसान हो रहा है। देखिए, इस तरह के आंदोलन और विरोध प्रदर्शन सरकारी खजाने पर भी बोझ डालते हैं। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक रोजाना 3,000 से 3,500 करोड़ का नुकसान हर रोज इस आंदोलन की वजह से हो रहा है। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक 20 जनवरी तक 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। फिलहाल उससे आगे का डेटा अभी आया नहीं है, लेकिन 20 जनवरी तक के आंकड़े को अगर आप आधार माने तो ये समझा जा सकता है कि देश को कितने करोड़ों का आर्थिक नुकसान अब तक हो चुका है। किसान आंदोलन के कारण कई टोल बंद है, टैक्स सरकार को मिल नहीं रहा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक 16 मार्च तक ही सरकारी खजाने को 815 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब आप देखिए कि फरवरी मार्च तक ही सरकारी खजाने को हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये नुकसान कितना बड़ा है। ये तो हो गई आर्थिक नुकसान की बात। अब अगर राजनीतिक नुकसान की बात करें तो एक और बात साफ हो गई है कि किसानों का ये आंदोलन अगर यूं ही चलता रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। 2022 में अभी वक्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद बड़ी जोर शोर से सुनाई पड़ रहा है। सभी दल जोर तोड़ में लगे हुए हैं, तो बीजेपी विधानसभा से लेकर बूथ तक पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। पार्टी ने सत्ता में वापसी के लिए टीम 16 बनाई है, और ऐसे में सवाल ये है कि ये टीम 16 क्या है और क्या बीजेपी की ये कोशिशें 22 में कमल खिला पाएंगी? देखिए, धर्म और जाति के सबसे बड़े अखाड़े यूपी में हर दिन नए दंगल का आयोजन हो रहा है। इन दिनों सत्ताधारी पार्टियां बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर कई मुद्दों का गुड़ा गणित कर रही है, तो अखिलेश सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए एक दमदार साथी की तलाश में है। प्रियंका लखनऊ में रहकर पार्टी की कमजोरी और ताकत का आकलन कर रही है। प्रियंका गांधी के आगे पार्टी को मजबूत करने की बहुत बड़ी चुनौती है, और इसलिए लखनऊ में प्रियंका गांधी ने एक परमानेंट ठिकाना बना लिया है, और वो अब ज्यादातर लखनऊ में रहने लगी है।
पार्टी पदाधिकारियों संग बैठकें कर रही है और 22 के चुनाव पर मंथन भी बहुत तेजी से हो रहा है। इन दिनों प्रियंका गांधी एक्टिव मोड पर है। उनके अपने पार्टी के लोगों को ये नहीं पता रहता कि प्रियंका गांधी कब कहां का दौरा कर ले। बीएसपी की चलिए बात करें तो वो भी अपने हाथी को उत्तर प्रदेश में दौड़ाने के लिए नए रास्तों की तलाश में है। तमाम जगहों पर प्रबुद्ध सम्मेलनों से लेकर मायावती समय समय पर बीजेपी को घेरती भी रहती है। एक तरह से देखा जाए तो 22 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो यूपी चुनाव का ऐलान 100 दिनों के अंदर हो जाएगा। 75 जिले, 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें, ऐसे में 100 दिन सियासी पार्टियों को कम लग रहे हैं। इसीलिए चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, कांग्रेस हो या बीएसपी या फिर छोटे छोटे राजनीतिक दल, सबने युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बूथ लेवल से लेकर बड़ी रैलियों तक रोड मैप तैयार होने लगे हैं। बीजेपी ने टीम 16 का गठन किया और दोबारा सत्ता में लौटने की जिम्मेदारी इस टीम को दी है। बीजेपी की ये टीम हर विधानसभा क्षेत्र में काम करेगी। ये टीम चुनावी प्रसार में जरूरत के मुताबिक पार्टी की मदद करेगी। उत्तर प्रदेश में चप्पे चप्पे पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति को धार देना भी शुरू कर दिया है। लेकिन विधानसभा संयोजक हो या रैलियों के लिए संयोजक हो, इन सबकी मदद से बीजेपी यूपी में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से एक बार सत्ता में वापसी करना चाहती है। देखिए, बीजेपी के आगे एक बड़ी चुनौती उन सीटों को जीतने की भी है जिन्हें वो पिछले चुनाव में हार गई थी। दरअसल बीजेपी पिछली बार 384 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 312 सीटों पर जीत हासिल की थी, मतलब 72 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। अब पार्टी के सामने इन्हीं हारी हुई सीटों को जीतने की भी चुनौती है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के बड़े नेता इन सीटों पर जाकर प्रचार कर रहे हैं। मनीष गुप्ता, ये वो नाम है जो अब हर घर तक पहुंच गया है। जिस बेदर्दी और निर्दयता के साथ इस व्यक्ति के साथ गोरखपुर में सलूक किया गया है, वो अपने आप में बताता है कि कैसे यूपी में वर्दी का आतंक है। कानपुर के बर्रा 3 में रहने वाले मनीष गुप्ता कोई बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती नहीं थे, एक छोटे से प्रॉपर्टी डीलर थे, लेकिन अपने 4 साल के बेटे के लिए सुपर हीरो थे। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के फैन थे और अपने 2 दोस्तों के साथ गोरखपुर का टूरिज्म देखने गए थे, गोरखपुर का विकास देखने गए थे कि कितना विकसित हो चुका है उनके पसंदीदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद। लेकिन मनीष इस बात से बेखबर थे कि जिसको वो एडमायर करते हैं, जिनके वो प्रशंसक हैं, उनकी पुलिस के हाथों उनकी मौत की कहानी लिख दी जाएगी। गोरखपुर पुलिस के हाथों हुई मनीष गुप्ता की मौत का मामला भले उत्तर प्रदेश सरकार के लिए छोटा हो, लेकिन इसने हर इंसान के मन में सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस पर से विश्वास उठा दिया है। आधी रात को पुलिस गोरखपुर के एक होटल में जाती है और सीधा रूम नंबर 512 का दरवाजा बजाती है और उसके बाद अपनी मनमानी का नंगा नाच शुरू कर देती है। पुलिस के हाथों मारे गए मनीष गुप्ता का कसूर सिर्फ इतना था कि वो पुलिस को आईडी दिखाने में थोड़ा सा लेट हो गए, जबकि पहले से ही पुलिस के पास तीनों दोस्तों की आईडी मौजूद थी। बावजूद उसके पुलिस ने मनीष को इतनी बेरहमी से पीटा कि उनकी दम निकल गई, मौत हो गई। पुलिस के बयान अलग हैं और उनके परिवार और दोस्तों के बयान अलग हैं। खैर, पुलिस ने जो सलूक मनीष के साथ करना था वो कर दिया और अब आरोपियों के साथ क्या सलूक होगा ये अभी पर्दे में है। लेकिन हम आज उस मुद्दे पर क्यों बात कर रहे हैं? पहली सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का काम है आम नागरिक की सुरक्षा करना, और यूपी पुलिस बल ये बात याद रखे कि जनता के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से आपको वेतन मिलता है। पुलिस अधिकारी जनता के मुलाजिम है क्योंकि उसके पैसों से आपका वेतन आता है। जो पुलिस की जवाबदेही राजनीतिक आकाओं के प्रति नहीं है बल्कि आम जनता के प्रति है। उत्तर प्रदेश में जो गिरती कानून व्यवस्था है, जो ब्रेकडाउन है लॉ एंड ऑर्डर का, वो यूपी के विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा है। पिछले 4, 4.5 सालों में संविधान का कैसे मजाक बनाया गया है वो हम समय समय पर देखते आए हैं, और जो ठोक दो राजनीति है उसमें भी कानून के राज का मजाक बनाया गया है, और ये आने वाले चुनाव में बीजेपी को कितना भारी पड़ेगा ये आप चुनाव के नतीजों में साफ साफ देख पाएंगे।
देखिए, लोकतंत्र का मतलब केवल 5 साल में चुनाव कराना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि जो आपकी न्यायिक प्रणाली है उसको काम करना जरूरी है। लोकतंत्र का मतलब ये है कि हर आम आदमी को भरोसा हो कि उसके साथ इंसाफ होगा। और ऐसे ही मनीष गुप्ता का परिवार इंतजार कर रहा है, उम्मीद लगाए बैठा है कि उनके साथ भी सरकार इंसाफ करेगी, और बिना ये देखे हुए कि वो कहां से आते हैं और कौन है। सप्ताह की सुर्खियों में इस सप्ताह बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर कुछ नई सुर्खियों के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।